देवयानी, आज का शो तो बहुत बढ़िया हो गया है। खाना जल्दी लगा दे। हाँ, भूख जबरदस्त लगी है। उधमपुर से तार आया है, शांति भाभी की तबीयत बहुत खराब है, न जाने क्या हो गया है, हमें तुरंत बुलाया है। और वो तो पूरे दिन पेट से थी, उसे तो किसी दिन भी बच्चा होने वाला था। मुझे जाना होगा। मैं भी साथ चलूंगी। अरे ये कैसे हो सकता है, तुम भी तो पूरे दिनों पेट से हो। नहीं नहीं, तुम्हारा चलना ठीक नहीं होगा। हनुमान भाई ने हमारे दुख सुख में हमेशा हमारा साथ निभाया है, ऐसे में मैं नहीं जाऊंगी, तुम्हें कितना बुरा लगेगा। लेकिन मैं भी साथ चलूंगी। ठीक है चलो। के लिए फोन करता हूं। डॉक्टर, उनकी जान को कोई खतरा नहीं, लेकिन अफसोस हम बच्चे को नहीं बचा सके। डॉक्टर साहब, ये तीसरी बार हुआ है। अफसोस, अब वो कभी मां नहीं बन सकती। डॉक्टर साहब, अगर देव यानी ये बात सुन लेगी तो जान दे देगी, और फिर मैं तो जान पर खेल कर ये जादू के खेल करते रहता हूं। अगर मुझे कुछ हो गया तो देव यानी किसके सहारे जिएगी? डॉक्टर, वो तो मर जाएगी। और जान देने की बात मत करो मेरे भाई, बच्चों को जन्म देकर शांति तो चली गई। भगवान ने शायद उसे जुड़वा बच्चे इसलिए दिए हैं ताकि एक तुम्हारे घर का चिराग बने और दूसरा मेरे अंधेरे घर को रोशन कर सके। लेकिन मेरे दोस्त, ये कैसे हो सकता है? वैसे ही जैसे तेरे पिताजी ने मुझे अनाथ आश्रम से लाकर अपने बेटे की तरह पाल पोस कर इंस्पेक्टर बना दिया। लेकिन दोस्त, अगर मेरी शांति जिंदा होती तो वो भी यही करती। ये राज राज ही रहेगा। दोस्ती के नाजुक रिश्ते को खूब निभाया आपने। चलिए, आपकी पत्नी को होश आने वाला है, आइए। डॉक्टर साहब, कैसा है मेरा बच्चा? मुबारक हो देवयानी, बेटा है। आखिर भगवान ने मेरी सूनी गोद भर दी, तेरा लाख लाख शुक्र है। लेकिन शांति भाभी, आज भाभी जिंदा होती तो मेरे लाल को देखकर कितना खुश होती। हाँ श्याम बेटे, अब इस फोगे में से मैं कबूतर को बाहर निकाल के दिखाता हूँ। कबूतर को एने मिले आपरा का डबरा डीजीपी के पांग फू छुमंतर छुमंतर 1 2 9 11 डालिया डालिया। हाँ हाँ, यही सब सिखाते रहना, जो सिखाना चाहिए वो मत सिखाना। पढ़ाई लिखाई में जरा भी ध्यान नहीं। ले दूध पी ले। नहीं माँ, मुझे दूध अच्छा नहीं लगता। पी ले दूध। क्यों पिताजी, पी लूं? पी ले बेटे। ताली। तुम बाप बेटे के जादू ने तंग कर दिया मुझे। मत बिगाड़िए इसे, इसे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना है, जादूगर नहीं। अरे देवयानी, बंदर के बच्चे को गुलाट और मछली के बच्चे को तैरना कभी सिखाना पड़ता है? वही तो माँ को मैं यही कहता हूँ। तो तू जबान भी चला रहा है, कहाँ को छड़ी? अरे, अरे, अरे ऐसी मरम्मत करूंगी, याद रखना। क्या कर रही हो? अरे शाम गिर जाएगा। तो साहिबान,
अब जिगर थाम के देखिए वो हैरत अंगेज कारनामा जिसमें रमेश कुमार के हाथ पांव और पूरे जिस्म को जंजीरों में जकड़ दिया जाएगा, मोटी मोटी जंजीरों में। दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि इस कारनामे को पेश करने में दुनिया के कई मशहूर जादूगरों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। कामयाबी बहुत ही कम लोगों को मिली है और अगर आज आप सबकी दुआ रही तो इन कामयाब जादूगरों में एक नाम और जुड़ जाएगा और वो नाम होगा मशहूर जादूगर रमेश कुमार का। अब आप लोगों के सामने रमेश कुमार को इस बक्से में बंद कर दिया जाएगा। पिताजी मैं भी आपके साथ आऊं? हाँ, पहले मुझे कामयाब होने दे बेटे, फिर तुम आना। सामने इस लोहे के मजबूत बक्से को लोहे की जंजीरों में जकड़ दिया जाएगा। अब आप में से कोई भी जाकर इस संदूक को अपने हाथ से ताला लगा सकता है। मैं लगाता हूं ताला। ठीक है, उसके बाद मेहरबान जंजीरों में जकड़े हुए संदूक को तालाब की गहराइयों में उतार दिया जाएगा। साहिबान संदूक के पानी में उतरने के बाद आप दस तक गिने। संदूक रमेश कुमार बाहर। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस। इतना वक्त तो नहीं लगना चाहिए था, आप लोग खींच लीजिए, जल्दी जल्दी खींचिए। जंजीरों से तो इसने अपने आप को छुड़ा लिया था, लेकिन बॉक्स खोलने से पहले इसका हार्ट फेल हो गया। आई एम सॉरी। अरे यार, कई मर्तबा सुना है इस जादू के बारे में, ऐसा भी कभी हुआ है? बेचारे जादूगर ने बेकार में अपनी जान दे दी। किसी का बाप भी ऐसा नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। मैं अपने बाप की सौगंध खाकर कहता हूँ कि एक दिन पानी से निकलकर ये जादू मैं करके दिखाऊंगा। इंस्पेक्टर हनुमान प्रसाद स्पीकिंग। सर, आपको एसीपी साहब ने फौरन बुलाया है। मैं अभी पहुंचता हूँ। अरे बेटा, ये क्या किया? वही जो आप करते हैं। अच्छा, गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इंस्पेक्टर साहब किस जुर्म में? हर सुबह आप मिले बिना चले जाते हो। हथकड़ी इसलिए लगाई कि आज मेरा जन्मदिन है। अरे बेटा, मैं तो भूल ही गया था, मैंने हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। थैंक यू। भगवान करे मेरी उम्र भी तुझे लग जाए। लेकिन डैडी आज जल्दी आना। बस बेटा, यूं गया और यूं आया। हनुमान प्रसाद, 1 करोड़ का सरकारी सोना शहर के रिजर्व बैंक में पहुंचाने की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूं। आगे डाकुओं का हमला हुआ है, इस रास्ते से जाना खतरे से खाली नहीं है। आप इधर से जाइए।
लेकिन सर कमिश्नर साहब ने मुझे सोना इसी रास्ते से ले जाने के लिए कहा है। अभी अभी वायरलेस से ऑर्डर आए हैं कि मैं यहाँ से किसी को जाने ना दूं। लेकिन सर मैं कमिश्नर साहब को क्या जवाब? आप फिक्र मत कीजिए, ये जिम्मेदारी मेरी है। राइट सर। गाड़ियां इस रास्ते से ले लो। अपना काम तो हो गया? अभी नहीं हुआ। ये क्या, आगे तो रास्ता ही नहीं है। गाड़ी रोको। जिंदा रहना बहुत जरूरी है। डाल दो गाड़ी में। इसकी बात का यकीन मत कीजिए सर, यह सरासर झूठ बोल रहा है। झूठ तो तुम बोल रहे हनुमान प्रसाद। ये मेडल मुझे सरकार ने खैरात में नहीं दिए हैं, ये मुझे मेरी ईमानदारी और बहादुरी के लिए दिए गए हैं। और आप मुझ पर शक कर रहे हैं? मुझ पर शक? एक तो तुमने रास्ता बदला, दूसरे पुलिस के सारे सिपाही मारे गए लेकिन तुम जिंदा बच गए। सोना लूटने वाले के हाथ के निशान देखे लेकिन उसकी सूरत नहीं देखी। सारी बातें तुम्हारे खिलाफ जाती हैं। हनुमान प्रसाद, फर्दर इंक्वायरी तक तुम्हें सस्पेंड किया जाता है। जिस झूठे इल्जाम की बिना पर आज मुझे सस्पेंड किया जा रहा है डीएसपी साहब, एक दिन सच जानने के बाद मुझे बाइज्जत इसी ड्यूटी पर वापस बुलाया जाएगा। सर, इस पर इल्जाम लगाकर इसको तो ठिकाने लगा दिया हमने। अब हम शैतान सिंह को सोने के सौदे के लिए शहर भेज सकते हैं। तुम शैतान सिंह के साथ शहर जाओ और अपना हिस्सा ले आओ। मुझे उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, समझे तुम? ओके सर। हनुमान जी की मूर्ति मिली है। निकालो बाहर। बजरंगबली, जब तक मैं शहर से सोने का सौदा करके ना आऊं,
मेरे माल की रक्षा करना। एक टिकट फर्स्ट क्लास का बंबई का देना। एक नहीं, दो। एसीपी साहब ने मुझे भी तुम्हारे साथ शहर जाने के लिए कहा है। लेकिन मुझे एसीपी साहब ने तुम्हें कहीं और भेजने के लिए कहा है। हेलो, हनुमान प्रसाद बोल रहा हूँ। मैं इंस्पेक्टर पाटिल बोल रहा हूँ। पाटिल हरामजादे, आपको सोने की डकैती में फंसाया गया था और उस साजिश में मेरे साथ एसीपी शर्मा। व्हाट? एसीपी शर्मा? और डॉक्टर शैतान सिंह भी है जो इस वक्त सीतापुर वाली गाड़ी से बंबई जा रहा है। इससे पहले कि देर हो जाए उसे आप। हेलो हेलो पाटिल 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 बेटे बेटे बाप रे, पुकार तो अभी भी बहुत तेज है। सोने की डकैती की साजिश में एसीपी शर्मा और डाकू शैतान सिंह शामिल हैं। मैं अपनी बेगुनाही का सबूत लेने जा रहा हूं। बचाने के लिए हाथ भी चला जाए तो भी ये सौदा सस्ता है हनुमान प्रसाद। डकैती की ऑफिसर्स, ये सोने का बिस्किट मुझे हनुमान प्रसाद की जेब से मिला है जिससे मेरे शक को सच्चाई का सबूत मिल गया है कि सोने की डकैती में इसी का हाथ था। और हमारे बहादुर ऑफिसर इंस्पेक्टर पाटिल ने इसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए अपनी जान गंवा दी। नहीं साहब, नहीं नहीं, मेरा बाप चोर नहीं है।
ना ही उन्होंने कोई चोरी की है साहब। ये देखिए, जाते वक्त उन्होंने उन लोगों के नाम लिखे हैं जो सोने की डकैती में शामिल हैं। पिताजी, 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 आप मुझे इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जा सकते पिताजी, मैं अनाथ हो जाऊंगा। ए, इस पर तो किसी शर्मा का नाम लिखा है, तुम्हारा क्या मतलब है? इस डकैती में मेरा हाथ है? मैं नहीं जानता, इस पर के शर्मा का नाम लिखा है और दूसरा नाम पानी से मिट गया है, कौन है वो? क्या बकते हो, ले जाओ उसे। नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मेरे ख्याल से ये सोने की डकैती के केस की फाइल अब हमें बंद कर देनी चाहिए। नहीं साहब, नहीं, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ साहब। साहब, आप इस केस को इस तरह बंद मत कीजिए, वरना मेरे बाप के नाम पर हमेशा के लिए कलंक रह जाएगा। आप इस केस की पूरी तहकीकात कीजिए साहब, आप मेरे बाप को बेगुनाह साबित कर दीजिए साहब। हट जाओ साहब। आओ अंदर आओ। ये कटा कैसे? डॉक्टर, एक आदमी को ट्रेन से गिरने से तो बचा लिया, लेकिन अपना अपना हाथ नहीं बचा सका। डॉक्टर, ठहरो। जहर जिस्म में न फैल जाए, इसके लिए टिटनस का इंजेक्शन। ये तो खतरनाक डाकू शैतान सिंह है, इसे बेहोशी का इंजेक्शन देकर पुलिस को बुलाना होगा। डॉक्टर, जल्दी 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 डॉक्टर। एक साल पहले उधमपुर बैंक की डकैती के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। डॉक्टर, तूने मुझे बेहोशी का इंजेक्शन देकर पुलिस के हवाले किया है, मैं जेल से छूट के तुझे मौत के हवाले करूंगा, बस इतना याद रखियो। शैतान सिंह, सोने का पता बताओ। अगर मैंने सोने का पता बता दिया तो मेरा पता नहीं चलेगा। शुक्र करो, इंस्पेक्टर पाटिल के खून का इल्जाम हनुमान प्रसाद पर लगाकर मैंने तुम्हें फांसी के फंदे से बचा दिया है। गलत, तूने मुझे नहीं अपने सोने के हिस्से को बचाया है। सोना चाहिए तो मुझे यहां से बाहर निकाल। इस जेल से फरार होना नामुमकिन है। तब तो तुझे सोने का पता जानने के लिए मेरा रिहा होने का इंतजार करना पड़ेगा। जिस तरह तूने रावण का नाश करने के लिए राम जी का साथ दिया था, उसी तरह इस अनाथ बेसारा बालक का भी साथ देना, ताकि मैं भी उस रावण का नाश कर सकूं जिसने मेरे बाप के सर झूठा इल्जाम लगाकर उनकी हत्या की। हत्या?
क्या तुम मेरा साथ नहीं दोगे? तुम्हें तुम्हारे राम जी के चरणों की सौगंध। जब इस धरती पर अत्याचार होता है, ऐसा ही एक तूफान आता है। का वरदान है, उनका दिया हुआ धनुष बाण है, तेरी रक्षा के लिए तूफान है। जय हनुमान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश त्रिलोक उजागर। सीपी शर्मा, आज 28 साल हो गए मेरे पिताजी की बरसी को, और सिर्फ 28 दिन लगे तुम्हारी वर्दी उतरने में। तूफान। फिकर क्यों करते हो शर्मा साहब, उसे भी उसके बाप के पास भिजवा देता हूं। जगह बोलो, यहां से कब रिहा हो रहे हो? कल बाहर जाके तुझे इन साहब का एक काम करना है। कीमत 25,000। किसको खत्म करना है? तूफान को। कहां मिलेगा? कल रामपुर में चौधरी साहब की बेटी की शादी है, तुम उसे लूटना, और साथ साथ यह अफवाह भी फैला देना कि तुम हनुमान प्रसाद के कातिल को जानते हो। तूफान खुद ब खुद तुम्हें ढूंढता हुआ वहां आ जाएगा। लूट लो। सागर जय कपीश त्रिलोक उजागर। कौन हो तुम? जब जब जुल्म की आंधी बढ़ती है, उसे रोकने के लिए एक तूफान आता है। हाँ,
हनुमान प्रसाद के कातिल के बारे में क्या जानता है? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। तो अब वाह क्यों फैलाई थी? बोल। बताता हूँ, बताता हूँ। मैं सब कुछ बता दूंगा, मैं सब कुछ बता दूंगा, मुझे छोड़ दो। तूफान भैया, आपने हमारी इज्जत और हमें लूटने से बचाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भेजा हुआ बेरंग पोस्ट कार्ड जो आपके पास वापस आ गया है। क्या मतलब? मतलब तो यही बता सकता था, लेकिन बताने से पहले इस कमीने ने अपना दम तोड़ दिया और एक बार फिर मेरा शक सबूत में बदलते बदलते रह गया। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कहना यह चाहता हूं कमिश्नर साहब कि जितना मुझे अपने बाप की बेगुनाही पर यकीन है उतना ही तुम्हारे काले करतूतों पर शक है। लेकिन अफसोस मेरे पास कोई सबूत नहीं और कानून सबूत मांगता है जिसे एक न एक दिन मैं हासिल करके रहूंगा। तुम एक पुलिस ऑफिसर का अपमान कर रहे हो। मेरा बाप भी एक पुलिस अफसर था कमिश्नर साहब, उन्होंने मुझे कानून की इज्जत करना सिखाया। वो भी यही खाकी वर्दी पहनते थे जो इस वक्त आपने पहन रखी है। फर्क सिर्फ इतना है कि उनकी वर्दी से ईमानदारी और सच्चाई की खुशबू आती थी, आपकी इस वर्दी से बेईमानी की बू आती है। एक पुलिस ऑफिसर पर झूठा इल्जाम लगाने के जुर्म में मैं तुम्हें बंद कर सकता हूं। और आप कर भी क्या सकते हैं? एक दिन आपने मेरे बाप की फाइल बंद कर दी थी, आज आप मुझे बंद करने की धमकी दे रहे हैं। लेकिन इतना याद रखिएगा कमिश्नर साहब, जिस वर्दी की वजह से आप मुझे धमकी दे रहे हैं उसे उतरने में सिर्फ 25 दिन रह गए। जिस दिन ये 25 दिन पूरे हो गए उस दिन पूरा होगा मेरे जीने का मकसद। दो चार छड़ियां ना पड़ जाए, इसकी तो आंखें नहीं खुलती। अरे शामू, शामू, उठ शामू, शामू, उठना। फिर भाग गया जादू का तमाशा करने। अटकन चटकन दही चटोकन, आओ बच्चों आ गए बच्चन। गिली गिली पाशा सुन मेरे राजा, 1 2 9 11। सुन मेरे राजा, 1 2 9 11।
टॉफी को लस्सी, टॉफी से निकालो टॉफी एक नहीं अस्सी। लकड़ी को बना दो रस्सी, कॉफी को लस्सी, टॉफी से निकालो टॉफी एक नहीं अस्सी। गिल गिल पाशा सुन मेरे राजा, 1 2 9 11 इक्के तिक्के सिक्के जेब मेरी टकसाल है, करते हो तुम कैसे सबका ये सवाल है। जादूगर का जादू हाथों का कमाल है, करते हो तुम कैसे सबका ये सवाल है। पकते खोल दूं तारा याद तिजोरी। गिल गिल पाशा सुन मेरे राजा, 1 2 9 11 सर पे चढ़ के बोले जादू वे मिसाल है, करते हो तुम कैसे सबका ये सवाल है। जादूगर का जादू हाथों का कमाल है, करते हो तुम कैसे सबका ये सवाल है। खड़ो चाहे जैसे गुल होती है बुलबुल, छू हो जाऊं ऐसे। बक्से में बंद करो जखड़ो चाहे जैसे गुल होती है बुलबुल, छू हो जाऊं ऐसे। गिल गिल पाशा सुन मेरे राजा, 1 2 9 11 हर एक जादूगर की आखिरी ये चाल है, करते हो तुम कैसे सबका ये सवाल है। जादूगर का जादू हाथों का कमाल है, करते हो तुम कैसे सबका ये सवाल है। शामू, अरे ओ शामू, मजी आ गई। अच्छा तो यहाँ ये जादू दिखा रहा है, ठहर तो। ए, कौन है? उस्ताद बाहर निकलो, मजी आ गई। माँ, ओरे, ओरे बाप रे! तुझसे मना किया है, जादू का खेल मत कर, मत कर। मजा लेके मान जाए, घर चल तो सही। आज से तेरा खाना पीना सब बंद, घर के अंदर बंद करो। पूरी छोड़ दिया, छोड़ दिया। माता, तुम्हें माता चपिता, तुम्हें हजार मना करने पे नहीं मानता। फिर आ गया ये, ये डिब्बा लेकर आ गया। इस डिब्बे के अंदर तू बंद होगा, इस डिब्बे के अंदर बंद होगा तू, इस डिब्बे का खेल करेगा। माफ कर दे, मैं डब्बे में फिर कभी नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। लेकिन उससे पहले तो मैं तेरी जान तोड़ूंगी, फिर घर से बाहर निकल ही नहीं सकेगा तू। ए सारी सारे लड़कों को, अरे मां मां तेरे हाथ में साहब। अरे 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 भाग ले बेटे, मेरी बात सुन। वापस आ, मैं कहती हूं वापस आकर मेरी बात सुन। कहां भागा जा रहा है? अरे 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 जल्दी कर, लोग सब लोग। लाला तू भाग, तू निकल, ऐसे निकल, मां का पारा चढ़ गया। शामू घर तो आ, बात कर रखूंगी, बाहर नहीं निकलने दूंगी तुझे। सारे खेल का बंटा ढाल हो गया, माँ ने आकर के मामला चौपट कर दिया। एक हाय इंटरवल में आकर के आज दी एंड लगा दिया। अरे बड़ी मुश्किल से तो आज 100 मिला था, लेकिन लेकिन माँ हमारी बात समझती नहीं। अरे ये लीजिए, शुक्रिया। ए, ए, ए। उस्तादों से उस्तादी, हाथ अंदर और बटुआ बाहर। क्या मतलब? छोड़ मेरा हाथ। इस हाथ में थोड़ी सफाई कम है मेम साहब, इसी तरह प्रैक्टिस करती रही ना तो या तो सफाई आ जाएगी या अंदर हो जाएगी, समझी? क्या बकवास कर रहा है? इस नो एंट्री एरिया में से बटुआ निकाल।
कैसा बटवा, किसका बटवा? शर्म नहीं आती एक शरीफ लड़की से ऐसे बात करते हुए? ये ये, अरे ये, बटवा निकाल, निकाल। एक चवन्नी छाप करके कभी बटवा देखा है अपनी जिंदगी में? अच्छा, ऐसे नहीं निकालेगी, मैं निकालता हूँ। बचाओ, 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 ये आदमी मेरी इज्जत पर हाथ डाल रहा है। नहीं नहीं भैया, कुछ ऐसी बात नहीं है। अरे 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 देखो, अरे ये देखो, हाथ ले लगाना। अरे रिक्शा, रिक्शा कहाँ जाना है? बस सुबह चलो। अच्छा बैठो जल्दी। देखो भैया, अरे अरे तेरी, अरे साला कड़का, 6 रुपए के लिए इतना ड्रामा कर रहा था। आपने मुझसे कुछ कहा? नहीं नहीं, वो 6 फुट का लंबू पुल पर मेरे पीछे पड़ गया, अकेला देखकर हाथ पकड़ लिया, मैंने भी उसे पब्लिक के हवाले कर दिया। मगर वो था कौन? था कोई कार्टून, कोई जादूगर मदारी लगता था। अरे लड़की तो सटक गई और मैं अटक गया। हाय, आइए आप, आइए आइए, यही है क्या? आए, अरे बाप रे। हाँ हाँ वही है, चलो। ऐसा झापड़ मारूंगा इसको, सुकड़ के 6 फुट से 6 इंच का हो जाएगा। अभी जो होना था हो गया, लफड़ा करने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं, लफड़ा फड़ा क्या, हमारे मोहल्ले में आके लड़कियों का छेड़ता समझता क्या? अरे एक को मारने 50-50 लोग चले आते हैं। अरे गो, अरे नो गो। जब अपने एरिया में लड़की लोग का छेड़ता है? चल आप लोग ऐसा कीजिए, आपस में ही ये मामला निपटा दीजिए, मैं जल्दी में चलती हूँ। इसे तो अपने किए की सजा मिल गई, तुम्हें अपने किए की सजा कौन देगा? क्या मतलब? मतलब ये है मेरा दोस्त शम, और ये है मेरा दोस्त गोपाल, और ये है मेरा बटवा। ये ऐसे नहीं मारे। 1, 2, 9, 11 निकाल, निकाल दिया, फेंक दू नीचे। चल निकाल, चल बटवा निकाल, बटवा निकाल। अब की बार तुझे छोड़ रहा हूं, अगली बार इस इलाके में दिखाई दी ना तो पुलिस में दे दूंगा, समझी? चल निकल। जाती हूँ, कंजूस। चल जा, जा, चल। देख ले बराबर। हाँ ठीक है यार। यार मार खाने के बाद भूख बहुत लगती है, और आज तो घर पर भी खाना नहीं मिलेगा, तो कहीं चल के खा लेते हैं उसमें क्या? ए, ये 6.5 रुपए में 2 भूखों का क्या होगा यार? अरे तू काहे को फिक्र करता यार, आज अपना धंधा बहुत तगड़ा हुआ है। क्या कह रहा है? बेटी, ये बीमारी तो जान के साथ ही जाएगी, बेकार में क्यों पैसे बर्बाद कर रही है मुझ में? कैसी बातें कर रही हो माँ, बस चंद दिनों की ही तो बात है, डॉक्टर साहब ने बोला है कि ऑपरेशन के बाद तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हे भगवान, मुझ सपेरे ने तेरी इतनी पूजा की, तेरे नाग नागिनों की इतनी सेवा की, फिर भी मेरे होने वाले वर के लिए सरदार ने किसी राक्षस को चुना है। भगवान, इस राधा का उस राक्षस से पीछा छुड़वाकर किसी श्याम से नाता जोड़ देना। राधा, राधा, राधा बेटी। क्या हुआ बापू? राधा बेटी, गजब हो गया, इस पिटारे से सांप निकल गया जिसका अभी जहर भी नहीं निकाला था। दया रे दया, अगर उसने किसी को काट लिया तो मुसीबत हो जाएगी, अब उसे कहाँ ढूंढे? अरे सोने देना माँ, क्या सस कर रही है? अरे एक तो रात को खाना भी नहीं देती, ऊपर से सोने भी नहीं देती।
अरे क्यों भाई, पिटारे से निकल के मेरी छाती पे बैठ गया है? अरे बांध दिया मैंने, वो भी सलेक्टेबल नोट में। अरे माँ देख, मुझे ज्यादा मजाक अच्छा नहीं लगता, चल निकाल दे मुझे यहाँ से। देखती हूँ कैसे निकलता है, बंद आ रहे, मैं जा रही हूँ मंदिर। माँ 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 अरे कहाँ जा रही मुझे अकेला छोड़ के? हजार बार कह चुकी हूँ ना कर जादू, भजा लेके कभी सुन ले। माँ जी तो गई। उस्ताद नागपंचमी मुबारक हो। हाँ मुबारक हो, मुबारक हो यार। ये सांप तुम्हारी छाती पर कहाँ से चढ़ बैठा? अरे यार अपना ही सांप है, पिटारे से निकला आया, चल जल्दी से हटा से यहाँ से। अरे क्या बात करते हो उस्ताद, अपना सांप तो पिटारे में बंद है, मैं अभी इसे दूध पिला कर लाया हूँ। क्या अरे ये तो बड़ा जहरीला लगता है, बचाओ बचाओ बचाओ, अरे बचाओ, अरे कोई है? नाग नाग नागराज जी, अरे इतने बड़े शहर में हमारा ही मोहल्ला और हमारा ही घर मिला था आपको? अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। अरे आप तो नाराज हो रहे हैं खामखा, देखिए नाग नाग नागराज जी खड़े खड़े आप थक गए होंगे, लेट लेट जाइए ना। अरे नहीं 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 कुछ नहीं कुछ नहीं, आप तो लगता है हमें सदा के लिए लेटवा के ही रहेंगे। अरे 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 भाई सुनो, अरे हटाओ 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 इसे। अरे इसे तो कोई सपेरा ही बचा सकता है। अरे अरे शंकर शंकर सपेरे को बुलाओ, किसी सपेरे को बुलाओ, जल्दी दौड़ते हुए जाओ। आओ आओ देखो ऊपर है ऊपर। ये बाप रे बाप, ये तो मेरा ही सांप है। अरे अरे सपेरन जी, इस सांप को जल्दी हटाओ भैया, हमारी आखिरी सांसें चल रही हैं। हाँ बाबूजी, आप जरा भी फिक्र ना करो, मैं अभी। हाँ चला जा पिटारे में। आजा। ए शाबाश शाबाश। अरे सुनिए सुनिए बाबूजी, हमें माफ कर देना, क्या है कि इसके जहरीले दांत नहीं निकाले थे ना, इसलिए हम जरा डर गए थे। डर तो हम भी गए थे, बहुत बहुत डर गए थे, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी जान बचा ली आज। इसमें क्या बाबूजी? कोई बात नहीं, 1 2 9 11 ये एक छोटा सा तोहफा हमारी तरफ से आपके लिए। ये क्या किया बाबूजी? किस बंधन में बांध दिया मुझे? बंधन बंधन में तो हम बंध गए थे अभी, यहाँ इधर ऊपर चारपाई पे। आप तो छूट गए, लेकिन हम बंध गए ना इन फूलों के बंधन में। अरे सुनिए 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 जी, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम राधा। और मेरा नाम इस नाम के बगैर आधा? जी मेरा नाम श्याम है, और राधा के बिना श्याम अधूरा है, इसीलिए तो सारी दुनिया पुकारती है राधे श्याम। ओ श्याम भैया, आज रात राधे श्याम के मंदिर में डांडिया रास का प्रोग्राम है, याद है ना? हाँ हाँ हाँ। कोई जादू वादू का प्रोग्राम मत लेना,
नहीं 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 याद है याद है, लेकिन फायदा क्या है, हर साल की तरह इस साल भी मुझे अकेले ही नाचना पड़ेगा। आ जाना। हाँ। आज की शाम शाम अकेला नहीं होगा, और आज के बाद ये नाम अधूरा नहीं होगा। Thank you.
आंखें लड़ा दी इसके साथ। अरे अरे नहीं नहीं पहलवान जी, हम आंखें नहीं, हम तो लकड़ियां लड़ा रहे थे, है ना? मंगलू, शाम ने मुझे गजरा पहनाया है और हमारे कबीले के दस्तूर के मुताबिक मैं अब इसकी हो गई हूँ। चुप, सरदार को दस्तूर सिखाती है, पूरन मासी को तेरी शादी किसी से तय करके आया हूँ, पेशगी के पैसे भी लिए मैंने। चार। ये क्या भाई? श्याम और राधा की जोड़ी तो सदियों से चली आ रही है, तुम इसे कैसे अलग कर सकते हो? कैसे? ऐसे। अरे अरे बाप रे, अरे ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ पहलवान जी, ठहर जाओ ठहर जाओ। 1 2 9 11 अरे पहलवान जी ठहर जाओ 1 2 9 11 पहलवान जी, ये मुर्गा हो गया, देखो सांप था साथ में। क्या हो गया? अरे क्या कर रहे हो भाई? नहीं, मार दिया। अरे तेरी आई आई। तो काट के रख दूंगा। चल श्याम, चल श्याम, पूरन मासी से पहले आना श्याम, वरना राधा और श्याम का मिलन कभी नहीं होगा। श्याम लग गई भैया, बड़ी जोड़ के लग गई। हाँ हाँ अरे बाप रे, जिंदगी भर यूं ही पिटता रहेगा, यूं ही मार खाता रहेगा क्या? अरे माँ, मोहब्बत की मार का बड़ा मीठा मीठा दर्द होता है, आशिक की तो हमेशा पिटाई होती है। मजनू को कम मार पड़ी थी क्या? पर वहां मेरी कुंडली में तो पिटाई लिखी हुई है, कभी पब्लिक के हाथों से कभी तेरे हाथों से। बेटा बार बार मैं तुझे इसलिए समझाती हूँ क्योंकि इसी जादू की वजह से तेरे बापू की जान गई थी। भगवान ना करे अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं और बहू तो। अरे कुछ नहीं होगा माँ, कुछ नहीं होगा, डोंट वरी बी हैप्पी। क्या अंग्रेजी में कहता रहता है, डो भरी बी। डो भरी नहीं माँ, डोंट वरी माने चिंता मत करो, बी हैप्पी, खुश रहा करो, तेरा आशीर्वाद तो है ना। हाँ। बस एक बार शादी हो गई, ये जादू वादू सब बंद। सच? हाँ, चल 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 जल्दी से हाथ रख दे, सब रख दे रख दे। सेठ धर्मदास प्लॉट नंबर 72 करेक्ट, यही जगह। रामू देखो कौन है। कौन? नमस्कार। अरे के पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, अरे जादू नगरी से आया है श्याम जादूगर। 1 2 9 11 ये लीजिए साहब, श्याम जादूगर का कमाल। आओ भाई, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ये लीजिए 2 लाख का चेक अनाथ आश्रम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, आप जैसे दयालु लोग ना हो तो अनाथ बच्चे भूखे मर जाएंगे। धन्यवाद सेठ जी, धन्यवाद। बैठो, कल मेरे बेटे बंटी का जन्मदिन है। अच्छा। उस खुशी में मैंने एक पार्टी रखी है। हाँ। उस पार्टी में अगर तुम्हारा जादू का शो हो जाए। हाँ। तो बच्चे बहुत खुश होंगे। अच्छा। पैसे कितने लोगे? अरे सेठ जी, जो जी में आए दे दीजिएगा, बच्चे खुश तो मैं भी खुश। हाँ, बच्चों के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वाह क्या खूब कहा। हेलो सेठ धर्मदास बोल रहा हूँ। आपका बेटा हमारे कब्जे में है। क्या बकवास करते हो, बंटी तो स्कूल गया, मैं कैसे मान लूं कि बंटी तुम्हारे पास है? यकीन नहीं आता तो उससे बात करो। हाँ बात करो। हाँ बेटे, बंटी बेटे तुम घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बेटे बेटे तुम कहाँ हो? कर ली बात, अगर 20 लाख रुपया हमें नहीं मिला तो हम उसे जान से मार डालेंगे। 20 लाख रुपया तक पहुंच जाएगा, लेकिन बंटी को कुछ नहीं होना चाहिए। उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन बात पुलिस तक नहीं पहुंचनी चाहिए। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, बात पुलिस तक नहीं पहुंचेगी। रुपया कहां पहुंचाना है? पुरानी हवेली के पीछे पहुंच जाएगा। क्या बात है साहब? किसी ने मेरे बेटे को किडनैप कर लिया है, वो कहते हैं उसे जान से मार देंगे अगर 20 लाख रुपया ना दिया तो। 20 लाख
बच्चे को जान से मार देंगे। चाबी, चाबी कहाँ है? चाबी तो शायद बड़े सेठ जी लेकर दिल्ली चले गए। ओ गॉड, मेरे बेटे का क्या होगा? बंटी, अरे अरे सेठ जी, ये क्या कर रहे हैं आप? ये तिजोरी ऐसे नहीं खुलने वाली। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन इस तिजोरी को तो मैं एक मिनट में खोल सकता हूँ। खोल सकते हो? हाँ हाँ, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अच्छा, हाँ ये देखिए, ये ए। ये लीजिए, खुल गई तिजोरी। ये लीजिए सेठ जी, आपकी तिजोरी खुल गई। बैग लेकर आओ, अब मेरा बंटी बच जाएगा। हे भगवान, अरे ये क्या कर रहे हैं आप सेठ जी? आप तो बहुत शर्मिंदा कर रहे हैं हमें। आप जल्दी पैसे लेकर जाइए और अपने बेटे की जान बचाइए। जल्दी करो, ये आप रख लीजिए। अरे नहीं नहीं सेठ जी, कल दे दीजिएगा, कल शो के बाद जो जी में आए दे दीजिएगा आप। लेकिन कल 5 बजे जरूर आ जाना। हाँ हाँ, 5 में 5 कंपे में यहाँ टच कर जाऊंगा। आप तो अभी जल्दी जाइए और अपने बेटे को लेकर आइए। जाओ भैया, जल्दी जाओ, जाइए सेठ जी, जाइए। हाँ जाइए जाइए। चले गए, चले गए सेठ जी और तिजोरी खुली छोड़ गए। अरे सेठ जी, आप तो ऊपर फोटो में बैठे हैं, नीचे आपकी दुकान खुली हुई है। बाकी बातें मैं वापस आने के बाद कर लूंगा, ठीक है? माफ कर दीजिए। Have a nice flight. Thank you. Call for Thai International TG. Good evening. Good evening. Can I have your passport, please? Sure, sure. मेरा पासपोर्ट? लगता है वो लड़की मेरा पासपोर्ट मार गई। उसे फौरन पकड़ो, जाओ। Damn it. वो रही। कोई लड़की तो नहीं आई? लड़की? कौन सी लड़की? एक जेब कतरी जिसने हमारे साहब का जेब काटा है। नहीं नहीं, यहाँ कोई लड़की वड़की नहीं आई। जा रही है बेटी? माँ जी, वो मैं वहां, वो लोग झूठ बोल रहे हैं। माँ जी, झूठ वो नहीं, झूठ तू बोल रही है बेटी। ये जानते हुए भी आपने मुझे बचा लिया। चेहरे से तो तू शरीफ घराने की लगती है, फिर ऐसा काम क्यों करती है? मजबूरी है, आपके जैसे मेरी भी एक माँ है जो बीमार रहती है और उसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए। अगर ऐसी बात है तो फिर तू नौकरी क्यों नहीं करती? मैंने कई बार ईमानदारी से नौकरी करके पैसे कमाने की कोशिश की, लेकिन हर बार नौकरी देने वाले ने मेरी मजबूरी से ज्यादा मुझ पर नजर डाली। मेरी मां के इलाज के लिए मेरे पास इसके सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। माँ जी, तब तो तू कोई अच्छा सा लड़का ढूंढकर शादी करके घर बसा ले। माँ जी, अच्छा लड़का ढूंढने से नहीं, किस्मत से मिलता है। मैं चलती हूँ। भगवान तुझे अच्छा सा वर दे, मेरा आशीर्वाद है। पीछे हटो भैया। ए भैया ए, जरा पीछे हटो, अंदर जाने दो। हाँ अंदर जाने दो, पीछे हटो, जाने दो, जाने दो। तुम कहाँ जा रहे? अरे यार अंदर जाना, आप कमाल कर रहे हैं। मेन आइटम को रोक के रखा हुआ है तुमने। सेठ जी ने बुलाया हमको। अच्छा अच्छा, हाँ सेठ जी ने बुलाया। बताइए, इतनी सारी भीड़ इकट्ठा है हमारे लिए, हम ही को रोक रहे हैं। आ गए, हम आ गए। बताइए, मुख्य कलाकार को ही बाहर रोक रहे हैं, ये क्या? बच्चों की पार्टी की जगह
पुलिस पार्टी। मैं उस कमरे में। अरे भैया सुनो, सेठ जी कहाँ है? हमारे बंटी कहाँ है? ए, कौन है आप? कहाँ से है? चल भाई, चल भाई। अरे जब काम था तो बुला लिया, अभी अभी बाहर निकलने को बोल रहे हो? अरे इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, देखिए देखिए जरा देखिए, काम हो गया तो कहते हैं बाहर जाओ। बच्चे एक बात सुनिए, सेठ जी तो कह रहे थे कि पुलिस वालों को कानो कान खबर नहीं होगी, फिर आप लोगों को कैसे पता चल गया? लेकिन साहब लगता है ये काम किसी एक्सपर्ट का है। अरे बिल्कुल एक्सपर्ट का साहब, और वो एक्सपर्ट हम हैं, हम। हाँ अरे भाई, ए, ए, क्या कर रहे हो? हाँ काली तिजोरी की फोटो लोगे या खोलने वाली की भी? तुम ठहरो, हम जाते हैं वहां। हटो भैया, हटो हटो, हम हटो यार, हटो। सब लोग आ जाते हैं क्रेडिट लेने। हाँ हाँ, एक एक इधर से भी लेना भैया, ये तिजोरी के साथ हमारा एक बोझ ऐसे आना चाहिए। तो ये तिजोरी तुमने खोली थी? और नहीं तो क्या, आपने खोली थी? अरे इतनी मुश्किल से तो हमने ये तिजोरी खोली है, किसी और का फोटो लिए जा रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल ऐसी आवाज आई थी जब हमने ये तिजोरी खोली, जब हमने ये तिजोरी खोली थी बिल्कुल ऐसी आवाज आई थी। हाँ लेना। तुमने ये तिजोरी क्यों और किसके कहने से खोली? अरे साहब हमने ये तिजोरी अपने बंटी को बचाने और सेठ धर्मदास के कहने पर। क्या बकवास कर रहे हो तुम, मैंने कब कहा था तुमसे? अरे बीच में काय को बोलते हो भाई, हम तुम्हारी बात थोड़ी ना कर रहे हैं, हम तो सेठ धर्मदास। शेर धर्मदास, इस घर का मालिक मैं हूँ। हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। आप शेर धर्मदास जी? और सेठानी रो रही है, और तिजोरी खाली। अच्छा तो हम चलते हैं। गोपाल, गोपाल। अरे माँ जी आप? बेटी तेरी दोस्त शाम को पुलिस पकड़ कर ले गई है। पुलिस? हाँ बेटी, उसे जमानत देकर छुड़ाना होगा, पर ये मत कहना कि मैं आई थी। ये कुछ कंगन है, इन्हें बेचकर जमानत दे दी। ये क्या कह रही हैं आप माँ जी? ये कंगन आपकी बहू की कलाई पे खनकने के लिए हैं, बाजार में बिकने के लिए नहीं। आप फिक्र मत कीजिए, शाम की जमानत का इंतजाम हो जाएगा, वो घर आ जाएगा। कितने दिन से बंद है यार? 7-8 दिन से। घबराओ मत, निकल जाएगा, निकल जाएगा। डोंट वरी, बी हैप्पी। हाँ ए हाँ? चलो तुम्हारी जमानत हो गई है। जमानत किसने दिया? उसने की। यहां दस्तखत की। गोपाल, गोपाल आ गया, आ गया मेरा दोस्त। आ, अरे भाई दोस्त हो तो ऐसा हो। देखा इंस्पेक्टर साहब, बुरे वक्त में ही दोस्त काम आता है। अच्छा चल। तेरी ऑटो कहाँ है यार? वो रिपेयर में गई है, चल। अच्छा यार, तूने कभी सोचा तेरी इन हरकतों से माँ को कितनी परेशानी होती होगी? दरअसल तेरा 1-2-9-11 जो है ना, ये हर वक्त प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम ला खड़ा करता है। अरे मेरे दोस्त, प्रॉब्लम भी कभी बोल के आता है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये सब बोल। देखा, घबराने की बात नहीं, घबराने की बात नहीं।
happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. अरे बाहर है प्रॉब्लम, घर में है प्रॉब्लम, आगे पीछे आजू बाजू प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. परिवार कंट्रोल करो, दो के बाद बस करो. परिवार कंट्रोल करो, दो के बाद बस करो. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. La 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 la. टिकट कटा के सिनेमा जा, आएगा बड़ा मजा. टिकट कटा के सिनेमा जा, आएगा बड़ा मजा. डोंट वारी बे हैप्पी. डोंट वारी बे हैप्पी. डोंट वारी बे हैप्पी. डोंट वारी बे हैप्पी यार. मेरे को फोन नंबर देना, मैं तेरा प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ और बहुत कुछ भी सॉल्व करता हूँ. अपना दूं क्या? 00001. बस 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 ये रोको.
हेलो, डोंट वरी बी हैप्पी। क्या गाना गाया हम लोगों ने यार। दोस्ती भैया, ओ मान निकल, मान। ये हमारी दोस्ती लेकर कहाँ जा रहे तू? क्या बोलता रे, कौन सी दोस्ती, कैसी दोस्ती? ये हमारे दोस्त गोपाल की ऑटो रिक्शा दोस्ती की बात कर रहा हूँ मैं। अरे ऐसे हमारे सेठ नागेश ने आज 10,000 रुपए रोकने में खरीदी है, समझे? 10,000? ओ यार तू चल ना, मैं समझाता हूँ। क्यों, चल तो सही यार। ए, 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 एक मिनट गोपाल, मेरी जमानत के लिए तूने अपनी दोस्ती बेच दी? अरे यार दोस्ती नहीं, ऑटो। और ऑटो एक गई 10 आ जाएगी, पर दोस्त गया ना तो फिर नहीं आने का। पर गोपाल तू जब तक ये हाथ सलामत है बहुत काम कर लेंगे, तू काहे को चिंता करता है? डोंट वरी बी हैप्पी। सच कहता हूं पर तेरे होते हुए मुझे भाई की कमी कभी महसूस नहीं। तेरे और माजी के होते हुए मुझे भी घर वालों की कमी कभी महसूस नहीं हुई। अरे तुझ जैसा दोस्त तो नसीब वालों में मिलता है यार। ए गोपाल, ये देख देख, ये वही आदमी जिसने तिजोरी खोलने के इल्जाम में मुझे फंसाया था। ये हाँ ये जानते हैं ये कौन है? 420 है ये। ये इस शहर के सबसे बड़े होटल के मालिक है और दानेश्वर भी। ये गरीबों की बड़ी मदद करते हैं। अच्छा, एक तो धोखे से दूसरों की तिजोरी खुलवाते हैं और फिर चुटकी भर दान देके अखबारों में अपनी फोटो छपवाते हैं। बड़े अच्छे दानेश्वर है ये। देखो किसी पर इल्जाम लगाने से पहले उसके खिलाफ सबूत लाओ, समझे? सरकार 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 इधर सबूत अगर हम लाएंगे तो आप ये वर्दी पहनकर। Very good collection. Yeah. ये पैसा तुम्हारा एडवांस है। Good. बाकी का काम होने के बाद। Thank you. सीट विक्रम कहाँ है? बस आती हूँ। Hands up! कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। Hands up! तुम्हारा सेठ विक्रम किधर है? नहीं? है किधर? तुम? पुलिस फोर्स में? हाँ। आज हम फुल फोर्स में हैं। ओहो, भैरव मंदिर से चुराई हुई नटराज की मूर्ति यहाँ? हाँ, वही मूर्ति जिसकी फोटो, वही मूर्ति जिसकी फोटो मैंने कुछ दिन पहले अखबार में देखी थी। फोटो फोटो से कुछ आइडिया? हाँ, फोटो। तुम लोगों का अब एक फोटो खींचा जाएगा इस मूर्ति के साथ, ठीक उसी तरह जिस तरह तिजोरी के सामने मेरा फोटो खींचा गया। हाँ, चलो लाइन से आओ। फर्क सिर्फ इतना होगा कि अब की बार तुम लोग अंदर हो गए और मैं बाहर हूं। हाँ, हाँ। चलो चलो इधर से, तुम भी इधर से आओ। हाँ अरे एक मिनट जरा पकड़ना भाई। रेडी? थैंक यू। हैंड्स अप। कौन? पकड़ो इसे। हमें मालूम था कि ऐसा मौका भी आ सकता है, इसीलिए असली के बजाय हम नकली पिस्तौल लाए थे। नकली पिस्तौल? नहीं, ये देखिए, हम तो मजाक कर रहे थे आपसे। अच्छा, हम चाहते हैं। ठहर जाओ ठहर जाओ। ए देखो देखो देखो, हमको 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 यहाँ मत मानना, जो चाहे कर लो, लेकिन लेकिन उस कमरे में मत ले जाना, मुझे मत ले जाना। अबे चल, अरे अरे कहाँ ले जा रहे हो? अरे 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 ठहर जा यार। अरे मान ले, अरे भैया, अरे मान ले मत। ए भैया देखो, ए देखो कमरे में मान ले मत, मारना मत कमरे में। ए भैया कमरे में, अरे अरे कहाँ बैठा रहे? अच्छा अच्छा ठहर जाओ, यहाँ तक ठीक है, लेकिन रस्सी से मत बांधना भैया। रस्सी लाओ। नहीं, अरे नहीं भैया, रस्सी से मत बांधना भाई। ए भाई, रस्सी से मत बांधना, मर जाऊंगा। ए भैया रस्सी से मत बांधना। अरे मर गया। क्या बांधा? अरे पर्दा भी बंद कर दिया। ए भैया क्या कर रहे हो तुम लोग? देखो, अरे अरे कमरे में तुमने आने को कहा, हम कमरे में आ गए, ऊपर से रस्सी भी बांध दिया। लेकिन एक काम करना मेरे भाई, मुझे अकेला छोड़ के मत जाना, मुझे अकेला। अरे कहाँ जा रहे हो? कहाँ चल दिए तुम लोग? अरे कहाँ जा रहे हो भैया? अरे अकेले छोड़ के मत जाना। अरे एक आदमी कंपनी के लिए ठहर जाओ, कुछ गपशप मारेंगे। अरे बत्ती मत बंद करना। अरे मत बंद करना बत्ती भैया। अरे अंधेरे में बहुत डर लगता है यार। सॉरी सर, वो पुलिस वाला नहीं, एक मामूली आदमी है, हमने उससे कैमरा भी ले लिया है। ठीक है, हम चलते हैं। हेलो मिस्टर गुडमैन। ओ मिस्टर विक्रम, सारा सामान रात को 12 बजे मिल जाएगा?
श्योर सी यू। और सब ठीक है ना? नहीं सर, जिस बेवकूफ आदमी से हमने तिजोरी खुलवाई थी वो यहाँ तक आ गया है। क्या? उसने हम सबकी तस्वीरें भी ले ली, हमने उसे कमरे में बंद कर दिया है। कैमरा खाली, रोल तो वो लेके है। लगता है उसने अंदर से लॉक कर दिया। दरवाजा तोड़ो। उल्लू के पट्टो, ये जादूगर था, फिर इसे अकेला क्यों छोड़ा? कहां गया होगा? इसे पुलिस तक नहीं पहुंचना चाहिए, जाओ। ओके सर। ये क्या किया तूने गोपाल? ऑटो वाला हूं ना, सारे शॉर्टकट जानता हूं। वार्ड नंबर 7 के पेशेंट को डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब जी, ये लीजिए सारी दवाइयां ले आया हूं। मेरे दोस्त की तबीयत अब कैसी है? उनकी जान को कोई खतरा नहीं। बस बस डॉक्टर साहब, जान है तो जान है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। सुनिए। हाँ। वो मैं अपने जरा दोस्त से मिल लूं। कमरा नंबर क्या है? 10। अच्छा गोपाल, गोपाल लगता है अपनी दोस्ती को नजर लग गई यार। ऐसा ही लगता है यार। तू ये ऐसे शॉर्टकट ना मारा कर, कहीं तुझे कुछ हो जाता तो घर वालों को क्या बोलता मैं? हैं? ए, क्या सोचता है? ये देख तेरे लिए इतना बढ़िया तावीज लाया, आज के बाद नजर तो क्या तलवार की धार भी तुझे नहीं लगी। ला हाथ ला, हाथ ला, हाथ ला ना। मेरे दोस्त, ये क्या कर दिया तूने? ये क्या कर दिया? मेरी जिंदगी इतनी कीमती तो नहीं थी? किस हिसाब में दबा दिया तूने मुझे? कैसे उतारूंगा तेरा ये कर्ज? मेरे दोस्त, जिस दिन तेरे कंधे पे चला गया ना, ये कर्ज उतर जाएगा। नहीं नहीं गोपाल, ऐसा मत बोल। अब मैं ऐसे कभी नहीं होने दूंगा मेरे दोस्त। तू मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, नहीं जाएगा।
मैंने बनाया। सब लोग बाहर निकलो वरना गोली मार दूंगा। चलो चलो। ये सब क्या है? दादाजी, मेरे दादाजी को मारता है। इसे मत लूटो, इसे हम लूटेंगे। ले आओ ऊपर। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। आजा रानी। एक डाकू एक लड़की को उठाकर ऊपर ले गया। और देखो कातिल के बारे में क्या जानता है? मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता मुझे। और तुझे यहां किसने भेजा है? और वरना मैं बता दो, बता दो। ठहरो, तुम कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। साहब, साहब बचा लो मुझे। साहब, ये आदमी मुझे जान से मार डालना चाहता है। साहब, पुलिस की आड़ में छिपता है कमीने।
स्टॉप इट, बंद करो ये तमाशा। पुलिस के कामों में दखल अंदाजी मत करो। इस हैवान ने बस के मुसाफिरों को लूटा है, एक औरत की इज्जत लूटने की कोशिश की है। ये हमारी हिरासत में है, कानूनी कार्रवाई हम करेंगे। ये आपकी हिरासत में कितने दिन रहेगा ये आप जानते हैं, मैं जानता हूं और ये भी जानता है। लेकिन इतना याद रखिएगा, जिस दिन इसे आपने छोड़ा उस दिन इसके सामने तूफान खड़ा होगा। जब तक मैं वर्दी में हूं तो मैं कानून को अपने हाथों में नहीं लेने दूंगा। आपकी वर्दी उतरने में सिर्फ 15 दिन रह गए हैं एसीपी साहब। जिस दिन वो पूरे हो गए, ये हाथ आपकी गर्दन पर होगा और आपके हलक से एक चीख निकलेगी जो इस स्लेट पर लिखे हुए 2 नामों को पूरा करेगी। संतरे, ए संतरे, क्या है? एक माचिस मिलेगी। 14 साल से रोज माचिस मांगते हो, क्या करते हो? कान खुजाता हूं। चौदह साल से एक एक माचिस की तीली में से बारूद निकाल कर इकट्ठा किया है मैंने। लिया है, अब हमारा इनाम कब मिलेगा? तुम्हें इनाम मिलेगा, लेकिन सोना मिलने के बाद। चलो। भाई साहब, यहां मंदिर कैसे बन गया? क्या बताएं बाबूजी, चमत्कार हो गया। कुछ बरस पहले यहाँ साधुओं की एक मंडी आई थी, जिन्हें पेड़ के पास हनुमान जी की एक मूर्ति मिली। जय सियाराम राधे श्याम, जय सियाराम राधे श्याम, जय सियाराम राधे श्याम। ये हनुमान जी की मूर्ति कहाँ से आई? हनुमान की मूर्ति? आओ। जय हनुमान महाराज। जय। अरे भक्तों, ये हनुमान जी की मूर्ति कैसे? जब मूर्ति की स्थापना यहाँ हुई है तो मंदिर बनना चाहिए। हम गाँव वाले ने इसे स्थापित करके मंदिर बना दिया। बड़ी श्रद्धा है हम गाँव वालों के दिलों में इस मंदिर के लिए। तूफान के हाथों आज इस मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, आप भी माथा टेक लीजिए। जय राम जी की। हनुमान जी, मैंने तो पहरेदारी के लिए कहा था, आप तो हुकूमत जमा कर बैठ गए।
लंका में डंका बजाने आया बजरंगा, ढूंढे जिसे हनुमंता, लंका में डंका
खतरनाक डाकू जालिम सिंह जेल से फरार। वाह शर्मा साहब वाह, खुद ने छोड़कर अखबार में फरार छपा दिया। जवाब नहीं आपका। बोतल दे कालिया। सरदार आप, आप कब रिहा हुए? रिहा नहीं हुए हैं, हम फरार हुए हैं। एक ही तो बात है सरदार, आप खाली हाथ आए या सोना भी साथ लाए? नहीं, जिस जगह हमने उसे गाड़ा था अब वहां एक मंदिर बन चुका है। लगता है शैतान के माल की रक्षा खुद भगवान कर रहा है। हमें बता दीजिए मंदिर का पता, हम तोड़कर ले आते सोना। बेवकूफ, मंदिर तोड़कर सोना निकालना अगर इतना आसान होता तो इस मुल्क के सैकड़ों मंदिरों में अरबों का जो सोना पड़ा है वो अब तक हमारा होता। यहां के लोग हमें देखकर चूहे बनकर बिल में घुस जाते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर साले शेर बनकर हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। इसका मतलब है सोना वैसे का वैसे पड़ा रहेगा? नहीं, उसे तो मैं किसी ना किसी तरकीब से निकाल ही लूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे उस डॉक्टर से हिसाब चुकाना है जिसने बेहोशी का इंजेक्शन देकर मुझे पुलिस के हवाले किया था। अब आप उस गांव की तरफ ना ही देखे तो अच्छा है। जब से उस तूफान ने जन्म लिया है हम लोगों की नस्लें ही कम हो गई, जीना हराम हो गया। तूफान? अरे अब मैं आ गया हूं तो ना कोई आंधी आएगी और ना ही तूफान। इससे पहले कि मैं तुम्हारे सर पे लगा हुआ इनाम वसूल करूं, दो सवाल। पहला, डाकू जालिम सिंह को कहां छुपा रखा है? दूसरा, इंस्पेक्टर हनुमान प्रसाद का खून किसने किया? तेरे पहले सवाल का जवाब। Thank you.
ये देख गोपाल, मैं गोपाल कहाँ है? देखो श्याम भाई, हमने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहता था कि मैं अपने दोस्त पर बोझ बनना नहीं चाहता। अगर दोस्ती बोझ है डॉक्टर साहब, तो मैं दुनिया का हर बोझ उठाने के लिए तैयार हूँ। बेटा वो जरूर स्टेशन की तरफ गया होगा। गोपाल मेरे दोस्त, गोपाल बेटे, संभाल के हाथ चल जाएगा। कुछ नहीं होगा माँ। प्रणाम बाबू। जुग जुग जियो बेटे। दिवाली की बधाई हो आप। तुझे भी। आज गोपाल आ रहा है, वो साल में एक बार आता है, लेकिन आता है तो दिवाली की सारी खुशियां लेकर। अच्छा डॉक्टर साहब, चलता हूँ। अच्छा
साहब घर पर नहीं है। ओ, पहचाना जालिम सिंह। चल आज बच के कहां जाएगी, चल चल चल। छोड़ तो दिया था उस दिन तूफान के आने से, लेकिन आज ना कोई आंधी आएगी ना कोई तूफान। गांव वालों सुनो, हमने तूफान को खत्म कर दिया, तूफान मर गया, समझे? उठा ले इसे और ले चल अपने साथ, कर लेना अपने दिल की हसरत पूरी। लेकिन वो डॉक्टर? वो साला अपनी बहू को ढूंढता हुआ खुद ब खुद हमारे पास पहुंच जाएगा। ठीक है। छोड़ दे मुझे। डाकू लक्ष्मी, लक्ष्मी माँ। कमीने, मेरी पत्नी को उठाकर ले जा रहा था कुत्ते। गलती हो गई, अब हम इसे उठाकर नहीं ले जाएंगे, तेरी आंखों के सामने तेरी बीवी की इज्जत लूटेंगे। अरे चल अबे कुत्ते के पिल्ले। आगे मत बढ़ना। मैं कहता हूँ छोड़ दे मुझे, छोड़। खबरदार मुझे हाथ लगाया तो, खबरदार मुझे हाथ लगाया तो। हाँ, बेचारे मर्द के तो हाथ रहे नहीं, इसीलिए शायद ये बुरी आदत पड़ गई है। मार डालूंगी। अब बच के कहां जाएगी रानी? जा टुंडे बचा ले अपनी बीवी को। ये क्या किया लक्ष्मी, लक्ष्मी जी। हेलो, दोस्त गोपाल से मिलने उधमपुर गया है। जमानत पर रिहा होने के बावजूद
वो अदालत में हाजिर नहीं हुआ, इसलिए उसके नाम वारंट है। जीप रोको। लगता है कोई आदमी जख्मी पड़ा है, चलो जीप नीचे ले लो। ये तो वही शाम जादूगर है जिसे हम तलाश कर रहे हैं। चलो ले चलो इसे, उठाओ। सुनिए सुनिए बाबा, ये पता बता सकते हैं? ये तूफान तूफान, तुम जिंदा हो? तूफान? नहीं नहीं, मैं कोई तूफान उफान नहीं हूं, मैं तो श्याम हूं। ये श्याम, श्याम जादूगर, अपने दोस्त गोपाल से मिलने आया था, गोपाल वर्मा। आप जानते हैं वो कहां रहता है? ये बेटे, पहले तो वो फूल हमारे गुलशन में था, अब इस कलश में है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अभी अभी परसों ही तो वो गांव में डाकू आए थे मुझसे बदला लेने, मैं ही नहीं मिला तो मेरे बेटे और बहू को मारकर इसे अनाथ बना गए। नहीं गोपाल, गोपाल, गोपाल मेरे दोस्त, तूने तो मुझसे कहा था कि जिस दिन मेरे कंधे पर जाएगा तेरे एहसानों का कर्ज उतर जाएगा। तूने तो इतना भी करने नहीं दिया मेरे दोस्त, इतना भी। चाचा, पिताजी कहा करते थे आप बहुत बड़े जादूगर हैं, क्या आप जादू से मेरे मां बाप को वापस ला सकते हैं? ला सकते हैं? बेटे, इस दुनिया से आने और जाने का जादू तो सिर्फ एक जादूगर जानता है, वो ऊपर वाला। मैं तो यहां तुम लोगों के साथ दिवाली की खुशियां बांटने के लिए आया था। लगता है भगवान ने तुम लोगों के गम बांटने के लिए मुझे भेजा है। गोपाल, मैं नहीं जानता कैसे, तेरी दोस्ती की कसम, जब तक तेरे कातिल को तेरे घर वालों के हवाले नहीं कर देता मैं ये गांव छोड़कर जाने वाला नहीं जाने वाला मैं ये गांव छोड़कर। श्याम बेटे, डाकू धमकी दे गए हैं, कल तक अगर गांव खाली नहीं किया तो वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब तो तूफान भी नहीं रहा जिसके डर से डाकू गांव पर आंख उठाकर भी नहीं देख सकते थे। ये
बाबा, अगर मेरी शक्ल उस तूफान से मिलती है जिससे डाकू कांपते हैं तो मैं तूफान बनूंगा। मैं बनूंगा। चलो देखते हैं। चलो चलो श्याम जादूगर, अब हवालात में चल के अपने जादू के खेल दिखाओ। श्याम जादूगर हवालात, ये क्या बोल रहे हैं आप लोग? ठीक बोल रहे हैं, कुछ बातें हवालात में ही समझ में आती हैं। देखिए आप लोगों को कुछ गलतफहमी हुई है, आप लोग शायद मुझे कोई और समझ बैठे हैं। देखा, तिजोरी तोड़ने और गांव भाग जाने के इल्जाम से बचने का नया ट्रिक। अब तो तुम ये भी कहोगे कि मंदिर में जो औरत बैठी हो तुम्हारी माँ नहीं है। देखिए मेरा नाम श्याम जादूगर नहीं है और ना ही मेरी कोई माँ है। शर्म करो। अरे लानत है ऐसे बेटे पर जो हवालात से बचने के लिए अपनी माँ को माँ कहने से इनकार कर रहा है। देखिए मैंने कहा मेरी कोई माँ नहीं है, मेरी कोई माँ नहीं है। तू उस औरत को पहचानने से इनकार कर रहा है जो भूखी प्यासी मंदिर के सामने तेरे होश में आने की दुआएं मांग रही है। अगर तुझ में इतनी ही जुर्रत है तो चल मेरे साथ, यही बात उसके सामने उसकी आंखों में आंखें डालकर कह दे कि तू उसका बेटा नहीं है। है तुझ में हिम्मत? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत बेटा, बेटा, बेटा तू ठीक हो गया? धन्य है भगवान, तू धन्य है। तू ठीक है ना बेटा? मैंने भी फैसला कर लिया था कि अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं भी इस चौकट पर दम तोड़ दूंगी। बेटा मैं जानती हूं कि तू निर्दोष है। मैं कचहरी में जाके जज साहब के सामने अपनी झोली फैलाकर भीख मांगूंगी। कानून अंधा हो सकता है लेकिन इतना निर्दयी नहीं हो सकता कि माँ के दिल की पुकार ना सुन सके। मैं जाके उनसे कहूंगी, चीख चीख कर कहूंगी कि छोड़ दे मेरे बेटे को और उन लोगों को पकड़ो जिन्होंने इसे फंसाया है। मैं समझा कि तूने मुझे यहां क्यों भेजा, एक दुखियारी मां का दुख दूर करने के लिए जो गलती से मुझे अपना बेटा समझ बैठी है। शामू बेटा, थोड़ा चढ़ना मृत्यु कर, कुछ खा ले, 7 दिन से तू भूखा है। आज तक सुना था कि भगवान के बाद मां का दर्जा होता है लेकिन गलत, तूने साबित कर दिया कि मां का दर्जा भगवान से ऊपर नहीं तो उससे कुछ कम भी नहीं। इतने दिनों से तूने भी तो कुछ नहीं पिया, आज एक पुन मुझे भी कर लेने दे।
थोड़ा सा पानी मेरे हाथों पी ले। शायद इन दो चार चिल्लू पानी के बदले अगले जन्म में भगवान मुझे सारी गंगा दे दें। हे भगवान, आज अगर तुमने मुझे मेरे श्याम से नहीं मिलाया ना, तो मेरे हृदय से राधे श्याम का नाम हमेशा के लिए मिट जाएगा। चल, जिससे तेरी शादी तय हुई है वो आ गया है। नहीं, मैं शादी नहीं करूंगी। नहीं करेगी? नहीं। कैसे नहीं करेगी? सौदा तय किया है मैंने। चल चल चल, ये ले, आ गया तेरा दूल्हा। ये ले जालिम सिंह, बहुत हिफाजत से रखा था मैंने इसे। मैं ये शादी नहीं करूंगी। नहीं करेगी शादी? चुप। शादी नहीं करेगी तो तेरा भी वही हाशर करूंगा जो डॉक्टर शर्मा के बेटे और उसके बहू के साथ किया था। मैंने अपनी बात निभाई, बाकी के पैसे निकाल। गाजर खाओगे? छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह तेरह करो गिन गिन के प्यार इंतजार दरा दरा दा गिर गया ऊपर उठाओ दरा दा दरा दा दा दीदार एक दो तीन चार पांच छह बस डांसिंग बंद कपड़ा वापस लो चड्डी किधर है तुम्हारा Oh.
हिप्नोटाइज हिप्नोटाइज हो गया ये क्या बे हाथ उठा बे इसको उठा बे ये टांग ऊपर दूसरी टांग ऊपर गया बेटा सूली पे अरे अरे मुझे आ गया साला उठ जा चल भाग जा साले अगली बार किसी लड़की पर आंख उठा के देखा ना तो काट के रख दूंगा पलट जा पलट नहीं शाम नहीं मत जाने दो इसे तुम नहीं जानते इस दलील कुत्ते को ये वही खूनी दरिंदा है जिसने डॉक्टर साहब के अपाहिज बेटे गोपाल और उसकी बीवी का खून किया है क्या इस आदमी ने मेरे दोस्त गोपाल को हाँ यही है वो तो फिर आज ये हाथ उठेंगे उस दोस्त के लिए जिसने अपने हाथ देकर मेरी जान बचाई थी गला खोटने मुझे कितनी खुशी होगी ये मैं जानता हूं कमीने लेकिन तेरी जिंदगी का फैसला करेंगे गोपाल के घर वाले मैंने उनसे वादा किया था कि एक दिन तुझे उनके सामने खड़ा करूंगा चल अरे बीमा देख देख तूफान जिंदा है अरे डॉक्टर साहब बाहर आइए तूफान जिंदा है ये रहा आपके बेटे का कातिल बेटे इसे पुलिस के हवाले कर दे नहीं इसे पुलिस के हवाले नहीं से गिरने के बाद वो जिंदा कैसे रह सकता है सरदार हम सब ने अपनी आंखों से देखा
गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, ये आपके सोने की गिनी। हाँ, तुम्हारे लिए सोने की गिनी, हमारे लिए सिर्फ चवन्नी। कीप इट टिप फ्रॉम मी। थैंक यू सर। हमको एक शानदार कमरा चाहिए। सॉरी सर, यहाँ तो कोई कमरा खाली नहीं। कोई कमरा खाली नहीं है तो खाली करवाओ, अंदर जो सामान है उसको बाहर करो, कमरा खाली। Isn't that right? Excuse me. Yellow. Advance. अरे नहीं साहब, एडवांस की क्या बात है? अगर कोई कमरा खाली नहीं है तो साहब को मेरा स्पेशल कमरा दो। इस होटल का हर मेहमान हमारा खास मेहमान है। ओके सर। He is a very intelligent man, Mr. Mr. Vikram is होटल का मालिक। सर आपकी तारीफ। Sir Gupchup from Silent Zone. Thank you. Oh dear. सर ये लाल लाइट? ये this is a very special bag. एक खास बक्सा है। मेरे अलावा अगर कोई इसे खोलने की कोशिश करेगा या इसके साथ कोई जबरदस्ती करेगा तो बूम एक्सप्लोजन धमाका, एक मील तक सब फ्लैट। अभी इसमें कुछ खराबी हो गया है, आपके पास कोई ऐसा एक्सपर्ट है, कोई कारीगर है जो हाथ की सफाई से इसको ठीक कर सके? सर उस बेवकूफ जादूगर को बुलाए। हाँ सर, इस शहर में एक बहुत बड़ा कारीगर है लेकिन वो शायद यहाँ ना आए। क्यों, तुम उसके साथ कुछ आपसे भी किया? नहीं सर, नहीं नहीं, वो थोड़ी सी कुछ गलतफहमी हो गई थी। ओए उसको बुलाओ, बोलो सर गुपचुप ने बुलाया है, मुंह मांगे इनाम देगा मैं उसको। है? जी साहब। भाई साहब का सामान ले जाओ। नहीं नहीं, साहब का सामान साहब के साथ जाएगा। राइट आगे। और चाबी बिल के पास। कोई हमारा दिल चुरा सकता है लेकिन चाबी नहीं चुरा सकता। दिल से एक बात याद आया, आपके होटल में कोई दिल बहलाने का ऐसा प्रोग्राम है, मैं मतलब कोई नाचने गाने का प्रोग्राम? अरे साहब बिल्कुल है, आप रात के खाने पर तशरीफ तो लाइए, आपको ऐसी चीज दिखाएंगे कि आप देखते ही रह जाएंगे। थैंक यू वेरी मच सर गुपचुप, आप आएंगे ना? Why not? अगर इसका माल अपने हाथ आ जाए तो कमाल हो जाए। देखिए आप लोग मुझे जमीन नहीं दे रहे, मैंने आपको कह दिया, मैंने आपका बटुआ नहीं चुराया, मैं सच सच कह रहा हूं। मेरा बटुआ क्या बात है? नहीं चुराया अजीत साहब, बटुआ चुराया है इसने मेरा। मैंने इनका बटुआ चुराया, मैंने इनका बटुआ ठीक किया भाई, इनका पर्स चुराया। ये तो वही लड़की है जिसने एयरपोर्ट पर मेरा पासपोर्ट मारा था। हां लगता है कि अब अपना नसीब बदलने वाला है। झूठ मत बोलो, सीधी तरह से मेरा बटुआ वापस कर दो वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। मैंने आपका बटुआ देखा तक नहीं साहब। आप इस सीधी साधी लड़की को क्यों परेशान कर रहे हैं? अजीत साहब ये एक नंबर की जेब कतरी है, इसने मेरा बटुआ मारा है। देखिए ना, इसने इनका पर्स चुराया है। नहीं नहीं साहब, मैंने किसी का बटुआ नहीं चुराया साहब, मैंने तो इनका बटुआ देखा तक नहीं साहब, और ये लोग मुझको धमकी दे रहे हैं कि ये लोग पुलिस को बुलाएंगे। मैंने इनका बटुआ नहीं चुराया है साहब, अगर आप लोगों को मुझ पर शक है तो आप लोग मेरी तलाशी क्यों नहीं ले लेते? देखो देखो पता, हाँ ये लिया इसी ने है, मगर इसके पास तो पर्स नहीं है। नहीं। आइंदा किसी शरीफ लड़की पर इल्जाम मत लगाइएगा। जाइए। आई एम सॉरी, वेरी सॉरी। चलो आओ मेरे साथ, ये लो अपना बटुआ। बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी, लेकिन माफ करना, मैं ये काम अपनी खुशी से नहीं करती हूँ। हो जाओ उन बातों, मैं समझ सकता हूं कि यह काम तुम जरूर किसी मजबूरी के तहत करती होगी, तुम्हारी तरह मेरी बहन भी मजबूर है, वो एक आदमी से प्यार करती थी और वो आदमी मेरी बहन के लव लेटर्स और फोटोग्राफ्स के जरिए से ब्लैकमेल करता, और वो कमीना आदमी उन लव लेटर्स और फोटोग्राफ्स को एक बैग में रखता है और उसकी चाबी हमेशा अपने सीने से लगाए रहता है। अगर किसी तरीके से मुझे वो चाबियां मिल जाए। अरे सेठ जी आप हुक्म करो, ताले की चाबी तो क्या, उसका दिल उड़ा लूंगी और उसे पता भी नहीं चलेगा, मगर वो मिलेगा कहाँ? आज शाम के शो के लिए मैंने उसे दावत दी है, तुम किसी भी तरीके से उसके करीब पहुंचकर वो चाबियां उसे उड़ा लेना। आइडिया सेठ जी, आज रात को होटल में इस लड़की के बजाय मैं नाचूंगी। Thank you.
जाओ और जाकर देखो कि अब तक शाम जादूगर क्यों नहीं आया।
आइए इंस्पेक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे मौका दिया कि बेरुपिया बनकर मैं श्याम जादूगर की बेगुनाही का सबूत हासिल कर सकूं। देखो, तुम्हारे कहने से हमने तुम्हारा साथ तो दिया है, लेकिन कानून को अपने हाथ में मत लेना। इंस्पेक्टर साहब, अगर कानून को अपने हाथों में लेना होता तो एक ही झापड़ में सारे सबूत हासिल कर लिए होते। सुनो, अपना ख्याल रखना। अरे भैया, मैंने जो तुम्हें शाम भैया की एक्टिंग और बोलचाल का ढंग सिखाया था वो बराबर याद है ना? हाँ छोटू, याद है। बस तू देखता जा, सेठ विक्रम भी क्या सोचेगा कि उसे किस एक्टर से पाला पड़ा है। अरे तुमने पुकारा और हम चले आए, हर ताले की चाबी लाए रे। श्याम भाई। कौन है? अरे सेठ जी, आप यहाँ? श्याम भाई, बहुत अच्छा हुआ आप आ गए, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। अरे हमें तो सर गुपचुप ने यहाँ बुलाया था उनका ताला खोलने के लिए। उस कमीने की बात मत कीजिए, वो कम्बा जबरदस्ती लड़की को भगा कर ले गया और मुझे हथकड़ी लगा गया। अच्छा, आखिर आपको हथकड़ी लगी गई? नहीं भैया, मैं तो आपके साय से भी दूर भागना चाहता हूँ। ये कलियां, ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। अरे क्या बात है भाई, अरे अरे अबे कहाँ ले जा रहे हो? अरे अरे लेकर जा रहे हो भैया? देखो 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 देखो, सेठ जी के पास मत जा, सेठ जी के पास मत ले जाना भैया। देखो ए, ए, अरे 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 बक्सा गिर गया, बक्सा गिर गया। ए, ए, कुर्सी 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 पे रख दो, रख दो, हाँ रख दो, रख दो। देखो देखो, हाथ 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 नहीं लगाना। छोड़ो साहब को। श्याम भाई। हाँ भाई, प्लीज ये लॉक खोल दो। हाँ हाँ, एक बार खोला था फंस गया था, दोबारा नहीं खोलूंगा। श्याम भाई। हाँ भाई, पिछली बातों को भूल जाइए ना। भूल गया, लेकिन हाथ से नहीं, कुर्सी से। अरे श्याम भाई, क्या गजब कर रहे हैं? क्यों? बक्से को नहीं, हथकड़ी को खोलिए। अगर इसे जबरदस्ती खोलने की कोशिश की तो बम के धमाके से पूरा होटल उड़ जाएगा। बम धमाका? अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे, ये तो जान जोखिम का काम है भाई। श्याम भाई। हाँ भाई, आपके लिए कोई जोखिम का काम नहीं है। अरे इसे तो आप चुटकी बजाकर खोल सकते हैं। जरा वहां ले जाना वापिस। खोल तो सकता हूं। 1 2 9 नहीं नहीं। श्याम भाई। हाँ भाई, 11 भी बोल दो ना, मैं तुम्हारे पांव पकड़ता हूं। साहब के पांव लाओ। अरे नीचे रखो, नीचे रखो। पांव नहीं, पेन पकड़िए और लिखिए। ले ले ले, वही वही, नीचे नीचे, घुटने पे घुटने पे घुटने पे बैठे रहिए। हाँ, लिखिए कि श्याम जादूगर बेगुनाह है और आपने धोखे से उससे तिजोरी खुलवाई। कुछ लिखकर मत देना सर, कहीं ऐसा ना हो कि हम फंस जाएं। अबे अगर इसने 11 नहीं बोला तो मेरे 12 बच जाएंगे। एक बार मेरी हथकड़ी खुल जाने दे, फिर इसी कागज की बत्ती बनाकर मैं इसके हलक के नीचे उतार दूंगा। कुछ कहा क्या? कुछ नहीं श्याम भाई, कुछ नहीं। तो फिर लिखिए। हैंडराइटिंग बड़ी पक्का है। हाँ बिल्कुल। ये लीजिए श्याम भाई, अब तो खोल दीजिए ना, प्लीज खोल दीजिए ना। बस मिल गया मुझे सबूत उस मां के बेटे की बेगुनाही का जिसकी ममता ने मुझे यहां रोक रखा था। पकड़ो ऐसे। ये श्याम जादूगर का हाथ नहीं, तूफान का हथौड़ा है। ये लीजिए इंस्पेक्टर साहब, श्याम जादूगर की बेगुनाही का सबूत। तुम श्याम जादूगर नहीं हो? शुक्रिया, आज तुम्हारी वजह से एक बेगुनाह सजा पाने से बच गया। ले चलो इसे और उन चारों को भी ले आओ। तुम जो भी हो, कमाल की चीज हो तूफान। तुमने तो मुझे तूफान मान लिया,
लेकिन उस मां से कैसे कहूं कि मैं उसका बेटा श्याम नहीं। क्या ये क्या कह रहा है तू बेटे? हां मां जी, मैं सच कह रहा हूं, मैं आपका बेटा श्याम नहीं हूं। नहीं नहीं ऐसा मत बोल, कहते कि तू झूठ बोल रहा है, मुझसे मजाक कर रहा है। जरूर तुझ पर किसी ने जादू टोना कर दिया है, तभी तो तू ऐसी बेतुकी बातें कर रहा है। नहीं माँ जी, मैं आपको और धोखे में नहीं रखना चाहता, मैं आपको श्याम नहीं हूं माँ जी। नहीं नहीं सुना आपने, डॉक्टर भी क्या कह रहा है, इसका जन्म आपके हाथों हुआ है, आप इसे समझाइए, समझाइए ना इसे। देवयानी बहन, ये ठीक ही कह रहा है। सच तो यह है कि उस वक्त आपको मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था। यह सदमा आपसे बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए आपके पति के दोस्त ने अपने जुड़वा बच्चों में से एक बच्चा आपकी गोद में डाल दिया था। असल में ये जुड़वा बच्चे इंस्पेक्टर हनुमान प्रसाद के ही हैं। मेरा भाई, कोई बेटा नहीं, मेरी गोद खाली है। ऐसे मत कहिए मां जी, आपने एक बेटा नहीं खोया, दो बेटे पाए हैं। ऐसे तुम हमारी मां हो। सच? हां मां जी। बेटा श्यामू अभी तक गांव से नहीं लौटा, ना जाने किस हाल में होगा, वो तो बहुत सीधा और भोला है। इसीलिए तो गांव जाना चाहता हूं मां जी, न जाने मेरी गैर हाजिरी में शैतान सिंह ने क्या दहशत फैला रखी है। तेरी वजह से मैंने 20 साल जेल की कोठरी में काटे हैं, अपनी आधी जिंदगी। तुझसे कहा था ना कि जेल से छूटने के बाद तुझे मौत के हवाले कर दूंगा, आज वो दिन आ गया है। दादाजी! कहां ले जा रहे हो मुन्ने को? छोड़ दो इसे, छोड़ दो। अगर इस बच्चे की जान प्यारी है तो तूफान से कहना कि कल सुबह रेलवे यार्ड में हत्था आ जाए, नहीं तो इस बच्चे की जान ले लूंगा। चल! वो भी बगैर तूफान के। तुम्हारे कहने के मुताबिक मैं आ गया हूं, खाली हाथ। बच्चे को छोड़ दे। बचपने की बातें करते हो, ना बच्चा जाएगा और ना तुम। लेकिन तुमने तो कहा था कि कहां है वो जादू जिससे हवा चलती थी, धूल उड़ती थी, आसमान का रंग बदलता था। ले
सकता है, मौत के डर से वो भी तुझे छोड़ के चलेगा। बंद से जंजीरों से और लगा दो ताला। आज से मैं जिम्मेदारी से मुक्त हुआ, अब आप ये कुर्सी संभालिए। थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। ओह मिस्टर विश्वनाथ, यू कोऑपरेटेड मी वेरी नाइसली। हेलो डीसीपी शर्मा। शर्मा साहब आपका फोन। यस प्लीज। सुना है चोरी का माल पकड़वाने पर इनाम मिलता है। तुमने बिल्कुल ठीक सुना। शैतान से 20 साल पहले का चुराया हुआ सोना लेकर माल गाड़ी से बीकानेर रेलवे लाइन से उधमपुर हवाई अड्डे जा रहा है। चाचा होश में आओ, चाचा चाचा होश में आओ। बिगो और कितना वक्त लगेगा? बस हो गया सरदार। काम तुम्हारे नाम लिख दिया जाएगा। इससे पहले कि मैं आज तुमसे इस काम का मकसद पूछूं, तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा, क्योंकि वो दिन आ गया है जिसका मुझे इंतजार था। आज तुम ऐसी भी नहीं सिर्फ शर्मा हो। शर्मा तुम्हारे जिस्म से पुलिस की वर्दी नहीं, सांप की कछली होती है। बेटे मैं तेरे पांव पड़ता हूं, मेरा पैर छोड़ दे बेटे, मेरा पैर छोड़ दे। याद है बचपन में मैं तेरे इसी पांव पे पड़ा था, गिड़गिड़ाया था, इंसाफ की भीख मांगी थी, बदले में तूने मुझे ठोकर मारकर फेंक दिया था, याद है? मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। इस स्लेट पे मिटे हुए लफ्जों को लिख। आज इसे मिटाने के लिए कोई बेरहम पानी की बूंदे नहीं आएंगी, क्योंकि आज तेरे सर पे तपता सूरज है और सामने तेज रफ्तार से आती हुई तेरी मौत। चले लिख। रुको रुको साहब, सामने लाइन पर कोई आदमी है, गाड़ी रोको। नहीं चल साले पे। मैंने इस पर नाम लिखी है।
एसीपी शर्मा, ठाकुर शैतान सिंह। इसका मतलब मेरा शक सही निकला। तुम्हारे बाप का कातिल शैतान सिंह है। कहाँ है वो? इस ट्रेन से। ये यहां तक कैसे पहुंच गया? ले जा गाड़ी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो तेरा भाई था जिसे मैं रेल के डब्बे में बंद करके आया। लगता है सारे खानदान की मौत मेरे हाथों लिखी है। जिसे पवन पुत्र हनुमान का वरदान हो, हाथ में उसका दिया हुआ धनुष बाण हो, नाम तूफान हो और सामने तुझ जैसा शैतान हो, तो सोच उसका अंजाम क्या हो। हाथ में हथियार लेकर निहत्थे से अंजाम पूछते हो? सारा सोना मेरे बाप की जान और गई हुई इज्जत वापस ला सकता है? जो कुछ हुआ उसे भूल जा, मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। सारी जिंदगी मेरे सीने में एक ही बात सुलगती रही कि मेरे बाप का कातिल कौन है, और तू कहता है कि मैं उसे भूल जाऊं। देख, मैं कहता हूं मुझे ऊपर खींच ले,
वरना मैं तो मरूंगा, तुझे साथ में लेके मरूंगा। नहीं, आज तो तू अकेला ही मरेगा। नहीं 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 नहीं, एल्शा! आज मुझे कामयाब कर दे। मैं अपने पाप की सौगंध खाकर कहता हूं कि एक दिन पानी से निकल कर ये जादू मैं करके दिखाऊंगा। वन टू नाइन इलेवन। आईजीपी साहब, यह वो सोना है जिसकी चोरी का झूठा इल्जाम हमारे पिताजी इंस्पेक्टर हनुमान प्रसाद पर लगाया गया था। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पुलिस रिकॉर्ड्स में उनका नाम इज्जत से लिखा जाएगा। La 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 टिकट कटा के सिनेमा जा, आएगा बड़ा मजा। टिकट कटा के सिनेमा जा, आएगा बड़ा मजा। डोंट वारी बी हैप्पी, डोंट वारी बी हैप्पी, डोंट वारी बी हैप्पी। मेरे को फोन नंबर देना, मैं तेरा प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ और बहुत कुछ भी सॉल्व करता हूँ। अपना दो क्या 0001।